तहत की जात के आए हैं, ये सारे हाजी हमारे खड़े हैं। दोस्तों ये मस्जिद है जो है आप रसूल सलम के जैसे भाई के नाम पर अब्दुल्ला बिन अब्बास जो उनका पैसे चले भाई के ये मस्जिद बनी हुई है। वहाँ पर लोग यहाँ पे आगे थे उनका नफल अदा करते थे। नफल अदा करने के बाद फिर बगल में इनका कब्र मुबारक है, बाकी शहूदा है चुके हैं वहाँ पर भी सल्ला से मस्जिद जो है ये भी काफ़ी अच्छा इंतजाम था। दोस्तों ये वो मस्जिद है जो अब्दुल्ला बिन अब्बास आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई ये उनके नाम पे मस्जिद तामीर की गई है। और ये जो है ये उनका कब्र मुबारक है और इधर जो है ये इधर बाकी शहीदों का कब्र मुबारक है। तो ये यहाँ पे जो लोग आकर दो रकात नफिल अदा करते हैं और ये आदमी के लिए है और इधर जो है वो औरतों के लिए है। वहाँ पे नीले रंग का ये बोर्ड लगा हुआ है ये वोमेन और ठीक इसके सामने जो ये दीवारें हैं ही जो है ये आपके कब्र मुबारक है। यहाँ पे लोग आके फातिहा पढ़ते हैं इधर ये कब्र मुबारक अब्दुल्ला बिन अब्बास का रसूलुल्लाह के चचेरे भाई का और यहाँ पे बाकी शहदा का है ये वाला। तो हम भी यहाँ पे जो है अपना खड़े हो गए पहले फातिहा पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्या है जी? ये उनके हाथ से लिखी हुई कुरान शरीफ अब्दुल्ला बिन अब्बास आपसे सुनो के चचेरे भाई जो उनके हाथ की लिखी जो मेरे पीछे यहाँ पे इनके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ भी रखा है उस दौर से अभी तक हिफाजत रखा हुआ है माशाल्लाह। उसका स्क्रीन शॉट में दिखा दे रहा हूँ जो उन्होंने बाहर लगा रखा है दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे मार्केट लगी हुई है लोकल मार्केट देखिए बाकी अब्दुल्ला बिन अब्बास के अलावा जो है इसके अलावा कोई अभी अभी नहीं है देखने लायक चीज़। बाकी यहाँ से हम चलते हैं दूसरी जगह ज्यारत जो है हमारी वहाँ चलते हैं वहाँ चल के इंशाल्लाह हम दूसरी ज्यारत करेंगे। काफ़ी हाजी आए हुए माशाल्लाह में काफ़ी हाजी आए ये उस टाइम के सावियों का जो है ये मकान है जो सऊदी गवर्नमेंट ने अभी इसी तरह से महफूज रखा हुआ है हाजियों को ज्यारत के लिए। ये मकान देख लीजिए वाला अपने अपने सीटों पर बैठ जाओ जब अपने उल्टे हाथ पर देखे क्या मस्जिद अली ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसका मीनार बनाया गया है। और अपने सीधे हाथ की तरफ ये अंगूरों वाला बाग ये अपने सीधे हाथ मस्जिद अली ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसका मीनार बनाया गया है। तो ये मस्जिद जहाँ पे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे जिन लोग लुहान हो गए थे तो यहाँ पे आके उन्होंने दो रकात नमाज़ अदा करी थी और यहीं पर आए थे जिब्रील अलैहि सलाम। उन्होंने कहा था आप कहे थे हम दोनों पहाड़ों को वो करके इन लोगों को हम तबाह कर देंगे। ऐसा प्यारा कर ले ये सेंटर में बड़ा पत्थर पड़ा है जिसके नीचे दो छोटे
दोस्तों यही वो पहाड़ का चट्टान का टुकड़ा है जहाँ रसूल सल्लम जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ से शैतान ने फेंका था। तो आप रसूल सल्लम ने देखा, उन्होंने कहा अगर अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, तो अगर शैतान ने फेंका तो वहीं रुक जाता, ये पत्थर वहीं रुक गया और आज तक वहीं रुका हुआ है। जिस पर पत्थर रुका हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, जिस सामने मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में बैठे थे अल्लाह ताला की इबादत के लिए, उस जगह मस्जिद बनाई गई है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से। देखिएगा मस्जिद अली ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसका मीनार बनाया गया है। इस वक्त हम लोग तैफ के मिकात में आ चुके हैं। तैफ का मिकात जो है वहाँ पे है, ये मेरे पीछे ये गुसल खाना है, तैफ का मिकात है माशाल्लाह। अब यहाँ से हम वज़ू बनाएंगे और चलेंगे अपने वज़ू बनाए गुसल करें आराम पहने और फिर चलते हैं उम्रे के लिए चलेंगे यहाँ से। चलिए अब चलते हैं आराम पहने और नफल अदा कर लेंगे माशाल्लाह से। ये है दोस्तों मिकात की, और ये जो है सारे जो हमाम है और वेल्स टॉयलेट आगे वो मस्जिद है। जो आराम लेके नहीं आया वो यहाँ से आराम ले सकते हैं खरीद के अपना। औरतों का आदमी होता है, जब आराम बैठने के बाद फिर मिलते हैं। तैफ की मिकात में मस्जिद है, यहाँ पर आकर जो है दो रकात हमने नमाज नफिल पढ़ी और ज़ोहर की नमाज भी अदा कर ली हमने। यहाँ पर हम चल रहे हैं अपने बस की तरफ आगे। हम जितने भी जाए सब यहाँ निकात के से अपने अपने बस की तरफ जा रहे हैं। मेरे पीछे मस्जिद है, इंशाल्लाह अब आए उम्रा करेंगे उम्रे के लिए। मैंने जो कि अपनी अम्मी की उससे गई है, ये देखिए माशाल्लाह बिगड़े हम काफ़ी माशाल्लाह। काफ़ी यहाँ पर मिली है हम ये बाहर निकल रहे हैं इसके मिकात से, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। वहाँ अपने बस की तरफ जाएंगे और उसके बाद वहाँ से इंशाल्लाह रवाना होंगे मक्का के लिए। वुमेंस टॉयलेट, मेंस टॉयलेट, पार्किंग जो है फ्री मिकात की निशानदेही है। ये जो है ये मिकात की निशानदेही है। हाँ वो ये मिकात है ना। जो लोग एहराम पे वगैरह लेके नहीं आए अपने घर से वो लोग यहाँ पे जगह जगह लगा के बैठे हुए हैं दुकानें, अब यहाँ से वो अपना एहराम ले सकते हैं। ये देखिए ये कतर से चल के आई है ये कार, इसका कलर ऐसा नहीं है बल्कि इस पर ये पड़ा है उसका वो डस्ट वगैरह, जब ये ऐसे लग रहा है धूल मिट्टी। कतर नंबर कार है। दोस्तों ये इस वक्त मैं आ गया हूँ तो दुआ कर रहा था, उधर बिल्कुल हकीम के नीचे खड़ा हूँ। गौर से देखोगे तो लिखा हुआ है और ये अल्लाह लिखा हुआ है।
इलाके का दूर से देखने में काला लगता है, ऐसे में काला काला नहीं, जब उसको जूम करके देखेंगे। नहीं नहीं तुम मंगो अपनी दिल्ली साड़ी तो हो मंगो कोई गल मैं खड़ा कोई गल मंगो तुम कवाब मंगो तुम। दोस्तों ये मेरा जो है कवाब जो है हो गया है और अब मैं सपा मरवा की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ दूर का नफल अदा करूँ मकामी बहन के सामने। चलते हैं, हम मैं जा रहा हूँ सपा मरवा नफले, वहाँ पर सही करूँगा, उसके बाद फिर वहाँ दूर का नफल अदा करूँगा, उसके बाद फिर सर का ये पूरा बाल घुमाऊँगा। चलिए चल रहा हूँ मैं सफा मरवा की तरफ। तो इधर हम आ गए हैं, अभी सफ़ा यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर से ही बाहर से दिखता है, यहाँ से सफ़ा स्टार्ट है। ये सफ़ा पहाड़ है सामने देखते हैं, सामने ये सफ़ा पहाड़, सफ़ा पहाड़ के सफ़ा पहाड़ है स्टार्ट। अब यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं वहाँ सफ़र मरवा का सही करना। चलिए हम सफ़र मरवा को सही करने के लिए पीछे बढ़िया तमाम जाइए अपना गाँव में, और ये इस तरफ जो है सफ़ा पहाड़ है, ये जो स्टार्ट करता है वहाँ सफ़र मरवा की, ये सही करने के बाद फिर हल्ला कराएंगे, उसके बाद हमारा उम्र मार्टिन में हल्ला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये चल रही है, ये ऊपर आप लोगों को जो हरे रंग का वो दिख रहा है, यहाँ पे अम्मा हाजरा जो है प्यास की शिद्दत से तड़पी थी और दौड़ रही थी, यहाँ वाला जो यहाँ पे भी आज भी जाजे एक राम जो है दौड़ते हैं उनकी याद। चलिए रब बना आती ना फिर दुनिया, यहाँ से जो दौड़ स्टार्ट, रब बना आती दुनिया दोस्तों। आज जो है तैफ से आने, तैफ की ज़ियारत के बाद वहाँ से जो उम्रे का नियत करके आए, और फिर अब जो है हमने अपना उम्रा भी जो है मुकम्मल कर दिया, कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा मरवा से उम्रा करके हम यहाँ से निकल रहे हैं, सफ़ा मरवा से हम जा रहे हैं उसको गंजा होने, क्योंकि उम्रा के पर में से ये भी है कि आप अपने बालों को जो है एक चौथाई आपको बाल अपना देना पड़ेगा, तो इससे बेहतर ये है कि आप पूरा गंजे हो जाए, एक चौथाई कौन गिनेगा। तो अब चल के अपने सर का पूरा बाल छिलवाए टकला होए, उसके बाद फिर नहाएंगे, नहाने के बाद खाना वाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह फिर मिल गई। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक था, आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर देना। Okay, talk to you.